तस्वीरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक तस्वीर जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो उसके बाद कोई अल्फाज या कोई शब्द कहने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी होती है कि उसके पास शब्द है, अल्फाज है, अल्फाज जो है वो शांत हो जाते हैं क्योंकि उस तस्वीर में संवेदना ही उतनी जीवंत होती है। अभी हाल ही में एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है, वो BBC न्यूज़ गुजराती के पोर्टल पे हमने विश्व तस्वीर दिन जो कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो संडे को था तब प्रस्तुत की थी। ये जो तस्वीर है वो दादी और उनके बेटे की बेटी, उनकी पोतरी के मिलन की तस्वीर थी। ये 2007 में गुजराती अखबार दिव्य भास्कर में छपी थी और उसके बाद में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर हमने इसको प्रस्तुत किया था। उसके बाद में ये संवेदनशील तस्वीर इतनी वायरल हुई कि पूरे देश में इसके प्रति संवेदनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तो ये जो भक्ति है और ये जो है वो दमयंती बहन है, उसी की तस्वीर है आज से 10 साल पहले की। आज फिर वो हमारे सामने है। दरअसल आपको थोड़ी भूमिका ये भी बांध दे कि घटना ऐसी थी कि एक वृद्धाश्रम में एक स्कूल का प्रवास आया था जिसमें भक्ति तब 10 साल आज से छोटी थी, वो उसकी विजिट लेने आई थी और तब अचानक से अकस्मात से उनकी भेंट वृद्धाश्रम में अपने दादी दमयंती बहन से हुई थी और बाद में दोनों काफ़ी संवेदनशील हो चुके थे, फुटफुट कर रो पड़े थे और जिन्होंने तस्वीर ली वो भी रो पड़े थे और पूरा माहौल काफ़ी गमगीन संवेदनशील हो गया था। आज हम उन्हीं दादी और पोत्री से बात करते हैं। भक्ति, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2007 की तस्वीर है, ये इतनी हृदयद्रावक तस्वीर है कि आज भी हम देखते हैं आपकी ये तस्वीर तो हमारी संवेदनाएं हमको काफ़ी छू जाती है। क्या आज वापस ये पूरे देश में ये तस्वीर के प्रति लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है, लोग काफ़ी वायरल कर रहे हैं इस तस्वीर को, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि वायरल हुआ है फ़ोटो, दादी रहते हैं वृद्धाश्रम में पर वो अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, उनको किसी ने यहाँ पे भेजा नहीं है। उस टाइम भी न्यूज़पेपर में ये आया था कि वो उनकी मर्ज़ी से आए हैं। अभी मैं एकदम से यहाँ आई, मुझे नहीं पता था कि दादी यहाँ पे होंगे, पता था कि वो जा रहे हैं पर कौन से वृद्धाश्रम में है वो नहीं पता था। इसीलिए मेरा इमोशनल नेचर की वजह से मैं उनको देखा और मैं रो पड़ी थी और कुछ नहीं हुआ था। आज भी दादी के साथ वही बॉन्डिंग है जो मैं जब बॉर्न हुई तब से दादी ही मेरे लिए कुछ ज़्यादा मायने रखती थी, पेरेंट्स से भी ज़्यादा मायने, और आज की डेट में भी वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी पहले थी। मेरा कोई भी फंक्शन होता है तो पहले मेरी दादी होती है फिर मेरा फंक्शन स्टार्ट होता है, दादी के अलावा और कुछ नहीं है, दैट्स इट। हम आपको बता दें कि हम फिलहाल अहमदाबाद के घोड़ासर इलाके में है और एक तस्वीर जो काफ़ी वायरल हुई थी दादी और पोत्री की, तो उस सिलसिले में हम उसी दादी और पोत्री के साथ फिलहाल फेसबुक लाइव कर रहे हैं। दादी दमयंती बहन से हम बात करने की कोशिश करेंगे। दमयंती बहन, बताइए, भक्ति और आपकी जो तस्वीर है काफ़ी हृदयद्रावक थी, लोगों की संवेदनाओं को वो छू गई थी, आज भी वो तस्वीर जो है वो काफ़ी चर्चा में है। आप अपने कुटुंब से अलग रह रही है, आप एक वृद्धाश्रम में रह रही है, क्या कहेंगे? हम अपनी मर्जी से रह रही है, कोई बात घर वालों से कोई नफरत नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को निकाल दिया घर से। मैं अपनी मर्जी से यहाँ शांति से रहने के लिए आई हूँ और भगवान का नाम लेके जाती हूँ, घर जाती हूँ, घर वाले आते हैं, सब कुछ अच्छा ही है। दमयंती बहन और भक्ति, आपसे मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग फेसबुक लाइव में ये भी सवाल हम कर रहे हैं कि आपका इतना प्यार है फिर दमयंती बहन क्यों यहाँ पे रहने आए हैं, क्या कहेंगे आप? अगर इतना प्यार, ये प्यार पहले से ही है, अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इतना प्यार है तो घर क्यों नहीं लेके जा रहे हो, अगर घर उनको यहाँ पे आना ही नहीं होता तो अब घर ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो उनकी मर्जी से आए हैं, ठीक है, और पहले भी उनकी ही मर्जी थी तो अब हम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। उनको यहाँ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, उनका एक यहाँ पे अभी पूरा फैमिली बन गया है, जैसे हम एक फैमिली है वैसे ही ये भी इनका फैमिली है। तो अब मैं उनको नहीं कह सकती कि आप ये 11 साल का आपका जो बॉन्डिंग है आपकी फैमिली से, वृद्धाश्रम की फैमिली से, वो आप तोड़ दो,
मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनकी वो यहाँ पे खुश है। हमारा इतना ही मकसद था कि वो खुश रहे, जहाँ भी रहे वो खुश रहे, और वो खुशी से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों की ऐसी कमेंट आ रही है कि आवाज़ काफ़ी स्लो है, तो हमने वो आवाज़ बढ़ा दी है, अब शायद आपको अच्छी तरह से सुनने में आ रहा होगा। हाँ दमयंती बहन, आप क्या कहेंगे? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके अच्छे पारिवारिक ताल्लुक है, तो आप वापस घर क्यों नहीं जाते, क्यों वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? ऐसे तो जाती हूँ ना, क्यों नहीं जाऊँ? घर वाले भी बुलाते हैं, घर वाले यहाँ आते हैं, मैं घर पर जाती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे को वो जो भगवान का नाम लेने का, शांति से रहने का, वो अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। कोई भी दूसरी बात नहीं है कि नहीं रखते, ऐसे आ रही रही रह रही हूँ। मारा छोकरा ना घेरे जो छू, रोज मारा छोकरो फोन कर, मेरा लड़का मेरी रोज बात करता है, मेरे से मेरी तबीयत के बारे में भी रोज पूछता है, कैसी है, ठीक है, तेरे को क्या चाहता है, पूर्व पूछता है। बहू भी है ऐसी अच्छी है, बुलाती है, जो भी काम है वो आगे करके मेरे के लिए नाश्ता लेके आती है, खबर अंतर पूछती है, सब करती है। जो भी अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि हम अहमदाबाद के घोड़ासर इलाके में से फेसबुक लाइव कर रहे हैं। एक तस्वीर जो दादी और पोत्री की काफ़ी वायरल हुई थी, काफ़ी संवेदनशील तस्वीर थी, जो 2007 की थी, विश्व तस्वीर दिवस दिन यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन पे ये हमने पब्लिश की थी, और उसके बाद संवेदनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। ये तस्वीर जो ली थी वो अहमदाबाद के वरिष्ठ तस्वीरकार जो है कल्पित भचेश, उन्होंने ली थी। अब उनसे ही हम पूछेंगे कि कल्पित भाई बताइए कि ये किस तरह से ये तस्वीर आपने ली, तब आपको पता था कि ये इस तरह से मतलब इतने सालों बाद भी ये चर्चा जगाएगी? जब तस्वीर ली थी वो समय तो दूसरे दिन अखबार में छपने के बाद दिव्य भास्कर में पेज वन एक्रॉस गुजरात ऑल एडिशन में पेज वन पहले पेज पे आई थी। तब दूसरे दिन लोग काफ़ी विचलित हो गए थे, और मुझे अब तक याद है कि मुझे 1000 से ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स या मैसेजेस आए थे मेरे मोबाइल पे। अभी जो दोबारा ये वायरल हो गई है, ये मैं मानता हूँ कि पूरा सोशल मीडिया का एक प्रभाव जो समाज में बढ़ रहा है वो उसकी बात कर सकते हैं हम। ये इतने 11 साल के बाद ये तस्वीर का वायरल होना ये बता रहा है कि समाज में बहुत संवेदनशीलता है। और लेकिन एक कम नसीब बात ये भी है कि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरह से भी इसको जज करते हैं। बाने जैसे बताया दमयंती बाने कि वो आई थी, तब का माहौल वो दिन जब तस्वीर ली गई तब वो बहुत इमोशनल थी, ये बच्ची भी बहुत इमोशनल हो गई थी, ये दैट टाइम शी वॉज अ स्कूल गर्ल, ये दोनों इमोशनल हो गए थे। बच्ची को पता नहीं था कि बा इसको उसको यहाँ मिल जाएंगे, और बा को भी एकदम ताजुब हो गया था कि मेरी लाडली पौत्री यहाँ आ गई है। तो ये जो दृश्य हुआ था वो टाइम बहुत इमोशनल दृश्य था। लेकिन ये दमयंती बा है वो एक माँ है, तो उन्होंने ये अखबार में छपने के तुरंत बाद उन्होंने एक बहुत स्पष्टीकरण कर दिया था कि वो खुद अपनी मर्जी से आए हैं। आप ये हेडलाइन भी दे सकते हैं, गुजराती में है, उन्होंने दमयंती बा ने लिखा है, ये छपने के बाद दूसरे दिन छपा ये समाचार है, उसमें दमयंती बा ने लिखा है कि मारा दीकरा ने बदनाम ना करो, माने मेरे लड़के को आप बदनाम मत कीजिए, और मैं मेरे लड़के का घर का एड्रेस, वो पत्रकार ने पूछा होगा, तो उन्होंने लिखा है कि मैं मेरे घर का लड़के का घर का एड्रेस भी नहीं दूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो भी जुड़े हैं उनको बता दें कि ये जो तस्वीर जो छपी थी दादी और पोत्री की, उसके बाद दूसरे दिन दादी ने बताया भी था कि मैं अपनी खुशी से यहाँ पे रह रही हूँ, आप मेरे बेटे को परेशान ना करें। गुजराती में लिखा है कि हूँ दीकरा नू सरनामू नहीं आपू, मतलब कि मैं अपने बेटे का जो एड्रेस है वो नहीं बताऊँगी। मारो दिकरो बदनाम था एवं हिस्ती नहीं, दमयंती बहन ने बताया है कि मेरा बेटा बदनाम हो ऐसा मैं नहीं हिस्ती, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे रह रही हूँ। हम दमयंती बहन से ही ज़्यादा और बात जानने की कोशिश करेंगे। दमयंती बहन, अभी आपके बेटे के साथ किस तरह से ताल्लुक़ है, आपकी बात होती है, आपका मिलना होता है, उनका नाम क्या है बताइए? मैं उनके साथ रहती थी और जो लगाव था वही लगाव अभी तक है, आज तक है, रोज मेरे को से फोन करके मेरे बारे में पूछता है कि तेरी सेहत कैसी है, क्या करती है, तेरे को कुछ चाहिए, वो सब ध्यान रखता है। भक्ति, आप
दादी से मिलने आते हो, किस तरह से आपकी बातचीत होती है, किस तरह से अभी आपका उनके साथ लगाव है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कोई त्यौहार के वक्त आते हो, आपके भी घर में बेटे या बेटी है तो आप उनको मिलाते हो, ऐसा कुछ है तो वो बताइए। मेरी दादी मेरे घर पे आती है त्यौहार में, जस्ट बिकॉज के मैं चाहती हूँ कि वो आए। जो पुरानी सारी चीज़ें हैं जो दादी जानती है मैं नहीं जानती, वो मुझे सिखाएं, इसीलिए मैं एवरी टाइम चाहती हूँ कि दादी मेरे घर पे आए। और हम भी उनसे यहाँ पे मिलने आते हैं, कोई भी फंक्शन होता है दादी घर पे आती है, हम मिलने आते हैं, वही सारी घर की बातें होती है। सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि वो सिर्फ यही है कि वो यहाँ पे रहती है, हम वहाँ पे रहते हैं, बाकी पूरे टाइम हम लोग कनेक्टेड होते हैं। मेरे घर की कोई भी बात हो, ऐसा नहीं होगा कि दादी को नहीं पता है। और दादी भी कहीं जाने वाली है, उसने आज क्या खाना खाया, मैंने क्या खाना खाया, वो सारी बात हम लोग एक दूसरे से एवरी डे शेयर करते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि दादी मेरे पेरेंट्स के घर क्यों नहीं जाती, वो मेरे पेरेंट्स के घर पे भी आती है, क्योंकि हम लोग एक ही फ्लैट में रहते हैं, मैं और मेरे पेरेंट्स। तो बट ऑब्वियसली मेरे घर पे आएगी तो वो वहाँ पे भी जाने वाली ही है। सो प्लीज़ आप लोग अभी भी मेरे पापा के बारे में जो गलत चीज़ें मान रहे हैं, अनुमान लगा रहे कि वो गलत है, वो गलत नहीं है। अगर वो गलत होते और मेरी दादी के साथ मेरा बॉन्डिंग है तो मैं मेरे पापा से रिश्ता ही नहीं रखती। पर आज मेरे पापा से भी मेरा उतना ही स्ट्रांग रिश्ता है जितना मेरी दादी से भी है। उस वक्त का ये जो वाकया हुआ था उसके बारे में बताइए कि आप यहाँ पे आई और दादी से मिले। मैं यहाँ पे स्कूल में से आई थी, हमारे यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स डे था तो हम लोगों को यहाँ पे मिलने लेके आए थे। अभी मुझे नहीं पता था कि दादी यहाँ पे एकदम से ऐसे सामने आ जाएगी, वो आने वाली थी वो पता था, पर कौन से आश्रम में रहने वाली थी वो उन्होंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम लोग दुखी हो और उनको आके वापस ले जाए, इसीलिए वो नहीं चाहती थी। और मैंने देख लिया एकदम से, तो मैं इमोशनल हो गई थी, तो दादी भी इमोशनल हो गई थी और हम लोग रो पड़े थे और हमारी तस्वीर आ गई थी। और आज भी ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, तो लोगों से आप क्या जिक्र करेंगे, क्या गुजारिश करेंगे? मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप लोगों की जो सिंपथी है मेरे लिए वो बहुत अच्छी है। आप लोग इतना सोच रहे हैं मेरे और दादी के बारे में, पर साथ में आप मेरे पेरेंट्स के लिए भी गलत लिख रहे हैं, वो मत लिखिए, वो गंदे नहीं है, उन्होंने नहीं भेजा है। और बहुत सारे लोग रहते हैं वृद्धाश्रम में, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई को अपने बच्चे ही छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से भी आते हैं, जैसे मेरी दादी भी उनमें से एक है, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई है और वो शांति से रह रही है, उनकी खुशी इसी में है कि वो यहाँ पे उनके फैमिली के साथ रहे, तो वो रह रही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम आपको बता दें कि ये तस्वीर बीबीसी न्यूज़ गुजराती के वेबसाइट पे प्रकाशित हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी और उसके बाद में ये वायरल हुई है। हमने कहीं पे भी इस तरह का जिक्र नहीं किया था, हमने सिर्फ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर ये तस्वीर काफ़ी संवेदनशील थी इसलिए ये प्रकाशित की थी। उस घटना के बारे में हमने उतना वो सब नहीं लिखा था, अब कुछ लोग उसको वायरल कर रहे हैं तो उनकी संवेदनाओं को ये जो फैमिली है वो काफ़ी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन इसके बारे में जो कुछ भी कोई लोग वायरल करके इनको आहत हो ऐसा कुछ जो लोग लिख रहे हैं उनके प्रति इनकी प्रार्थना है कि ऐसा ना लिखे, ऐसी हमारी भी गुजारिश है। अब ये जो तस्वीर है ये जो वायरल हुई थी, दरअसल भक्ति जो है वो एक अहमदाबाद के एक स्कूल में से एक टूर आया था, उस दौरान इस वृद्धाश्रम में आई थी, तो वो स्कूल के जो प्रिंसिपल है रीटा बहन वो भी आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। रीटा बहन बताइए कि किस तरह से ये टूर जो वो प्लान हुई थी और ये इतना भावुक दृश्य यहाँ पर निर्माण हुआ था। सही में ऐसा है कि हमारे स्कूल में, हमारी जीएनसी स्कूल में हर महीने बच्चे को संस्कार सिंचन करने के लिए ऐसी अलग अलग जगह पे ले जाते हैं। उस दिन ग्रैंड पेरेंट्स डे था, हम लोग यहाँ आए, यहाँ अंताक्षरी चल रही थी। सही में मैंने दिव्य चक्षु ऐसे सुना है लेकिन देखा नहीं, सही में दिव्य चक्षु वो कल्पित भाई के है। कल्पित भाई ने ये पूरा माहौल देख के कल्पित भाई को पता चल गया था कि यहाँ कुछ संवेदनशील सेंटिमेंटल कोई चीज बन रही है, तो उन्होंने थोड़ा फॉलो किया, देखा तो ये तो पौती और दादी ही निकले। तो मैंने कल्पित भाई से दूसरे दिन हंसा भी कि कल्पित भाई आपका जो
कैमरा है वो आईने की तस्वीर लेता है, दिल की तस्वीर लेता है कि सही में बेस्ट फोटोग्राफर, सही में मैंने दुनिया में आज तक कल्पित भी जैसे फोटोग्राफर नहीं दिखे, कि ये पूरी जो बात है वो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सबके सामने पेश किया और अच्छी चीज पेश की है। यही तो एक मजा होती है एक फोटोग्राफर की, एक तस्वीरकार की, कि वो जो मोमेंट्स है वो पकड़ते हैं और दुनिया के सामने रखते हैं, और इसी तस्वीर में भी ऐसा ही हुआ है। भक्ति, आप काफ़ी त्यौहार भी दादी के साथ मनाते हैं, तो उस बारे में बताइए। अभी आप बोल रही थी कि गणेशोत्सव के लिए आपने उनको न्योता दिया था दादी को। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, मैं एवरी ईयर मेरे घर पे गणेश जी लाती हूँ, तो पहले दादी आती है, हम लोग सब मिलके सब कुछ प्रिपरेशन करते हैं, गणेश जी की मूर्ति लेने साथ में जाते हैं, उनके लिए मोदक बनाते हैं, तो सब में दादी होती है, पर इस साल दादी नहीं है क्योंकि वो घूमने जा रही है, उनके वृद्धाश्रम में से उनको यात्रा कराने लेके जा रहे हैं, तो इस बार अभी मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं गणेश जी लाऊं, क्योंकि दादी ही नहीं है तो गणेश जी का कोई मतलब ही नहीं, जो है दादी ही है, गणेश जी आएंगे पर दादी होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। आप भक्ति, आपके बारे में काफ़ी प्रेम पूर्वक बात कर रही है अभी भी, तो आप क्या कहेंगे दमयंती बहन? मैं क्या बताऊँ, मेरे यहाँ से जाने का भी है और बोलते हैं वो हमारे मैनेजर कि आप जैसी अच्छी है, जितनी सबको संभालती है, सब में आगे रहती है, आपको तो आना ही पड़ेगा, तो वो जाना भी ज़रूरी है, यहाँ का भी मन रखता है कि लड़की को परेशानी होगी, मैं नहीं होती, तो उनकी माँ है लेकिन बोला तेरी जैसी नहीं, तू जो करती है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनको वही बात है। आज जो लोग अभी फेसबुक लाइव में जुड़े हैं उनको बता दें कि हम अहमदाबाद से बोल रहे हैं, अहमदाबाद के घोड़ासर इलाके में एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे अभी हाल ही में एक तस्वीर जो काफ़ी वायरल हुई है, एक दादी और पोती की, जो एक अकस्मात से आकस्मिक तौर पर एक वृद्धाश्रम में उनकी भेंट हुई थी, और काफ़ी लोगों ने ये संवेदनशील को तस्वीर को काफ़ी शेयर किया है। तो हम जो तस्वीर जो थी वो 2007 की थी, और आज वही पोती और दादी से बात कर रहे हैं। दमयंती बहन, आपके बेटे से भी आपकी बात हो रही है, आप बता रहे हैं क्या बात होती है और आप क्या है, मेरी तबीयत के हाल पूछते हैं और मेरे को क्या चाहता है, क्या ज़रूरत है, वो सब बहुत पूछता है, बोलता है तू घर पे आ, मैं बोला आऊँगी, तू जब बुलाएगा तेरे को काम होगा तब आती हूँ, मेरे को यहाँ मेरा जो भगवान का रोज का नियम है वो छोड़ने का मन नहीं करता है, वैसे ज़्यादा नहीं रहती हो, लेकिन दो चार दिन ज़रूरत है को कोई काम है, मेरे को भी तबीयत नहीं अच्छी होती, मैं घर पर जाती हूँ, आराम करके घर पर या आ जाती हूँ। आपके घर भी आते हैं दादी? मेरे घर पे भी आते हैं, जब आती है तो ऐसा लगता है कि घर पूरा भर गया है, पर जब वो बोलती है कि अब जाना है तो घर खाली हो जाता है, नहीं अच्छा लगता है जब वो जाती है तो, पर अभी उसका फैमिली यहीं पे है, उसको यहाँ पे उसका मन है, अभी मैं मेरे फैमिली को मैं पूरा करना चाहूँगी कि दादी रहे, मुझे अच्छा लगे, पर मेरे अच्छे लगाने के लिए मैं दादी को तो उसके फैमिली से नहीं अलग कर सकती ना, ये भी तो उसका फैमिली है जैसे वो फैमिली है, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। दैट्स तो ये था BBC हिंदी न्यूज़ का फेसबुक लाइव अहमदाबाद से, एक दादी और पोती की आज से 10 साल पुरानी एक तस्वीर जो थी, काफ़ी संवेदनशील तस्वीर थी, जो कि काफ़ी वायरल हुई थी हाल ही के दिनों में। ये 10 साल पुरानी तस्वीर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर हमने वापस इसको प्रकाशित किया था, और उसके बाद में इस संवेदनशील तस्वीर के प्रति लोगों का जो संवेदनाओं का सागर था वो काफ़ी उमड़ पड़ा था, और वापस वो दादी और पोती आज मिले हैं। उनका कहना है कि हमारे परिवार में कोई कलह नहीं है, दादी का कहना है कि आज भी मैं अपने बेटे के घर में जाती हूँ, उनकी जो पोती है वो कहती है कि मेरा कोई भी त्यौहार है वो दादी के बगैर नहीं होता है। अब दादी का कहना है कि मुझे इस वृद्धाश्रम में रहने में मज़ा आ रहा है, मैं यहाँ पर खुश हूँ, वरना मेरे परिवार में और मेरे कोई कलह की बात नहीं है। तो ऐसा कोई सोच रहे हो तो ऐसा ना सोचे, आपकी संवेदनाओं के प्रति हम काफ़ी आदर व्यक्त करते हैं, यही इनका कहना है।
तो बीबीसी न्यूज़ हिंदी के फेसबुक लाइव में बस इतना ही। अहमदाबाद से मैं तेजस वैद्या।